सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अगेन। आई होप सो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो मैंने पढ़ा है आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। एंड ऐसा मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी एक्टिव नहीं रहते हैं, तो उनसे प्लीज़ मेरा ये इस रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऑनलाइन क्लास में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहोगे तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि यही टॉपिक जो है आगे बैकबोन बनते हैं ये बेटा केमिस्ट्री के। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो स्टार्टिंग 4 चैप्टर्स जो आपके अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी दिए हुए, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये ऐसे टॉपिक्स है बेटा जो आपके बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो मेरा आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप प्लीज इनको बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट ग्रेस कर कॉन्सेप्ट जो है ग्रैप करने की कोशिश करिए, इन सच दैट कि आपको फर्दर एडवांस लेवल में कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें ना आए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको प्योर नीट और एडवांस दोनों बताया, जहां पे मैंने लगा कि भैया नीट वालों को जरूरत नहीं है, वो ऐसा नॉलेज के लिए जरूर देख सकते हैं, बट वो छोड़ भी देंगे तो ऐसा कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो नाउ लेट अस कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट। नाउ अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट की बात करूं, देखो सी इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। जिस बच्चे का अगर आईक्यू अच्छा ठीक ठाक है, मतलब अगर इसका मैथमेटिक्स पार्ट ठीक ठाक है, तो वो अच्छा स्कोर कर सकता है मोल कॉन्सेप्ट में। और बेसिकली होता है कि मोल कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आते, बट मोल कॉन्सेप्ट का यूज पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में जरूर करवा देता है कहीं ना कहीं तरीके से। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का यूज आपका गैस स्टेट में भी करवा देगा, मोल कॉन्सेप्ट का यूज आपका थर्मोडायनेमिक्स में करा देगा, मोल कॉन्सेप्ट का यूज आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में भी करवा सकता है, मोल कॉन्सेप्ट का यूज वो आयनिक इक्विलिब्रियम में करा सकता है, सॉल्यूशन में करा सकता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कहीं पे भी। बेसिकली इट्स अ बैकबोन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। आप में अगर मैं इनडायरेक्टली भी मैं कहूं, तो अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छी ठाक आता है तो आप आगे के चैप्टर्स के फर्दर में आप कोई नहीं फंसोगे। ठीक है, नाउ मोल कॉन्सेप्ट की बात करो तो बेसिकली मोल का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर आप मार्केट जाते हो, मार्केट में आपने बोला कि सर मुझे एक शॉपकीपर बात है तो भैया 3 डजन बनाना देना, तो 3 डजन बनाना में बनाने का मतलब मार्केट दुकानदार पहले तुरंत समझ जाता है भैया 36 बनाना है, इसको नाप के देने, मतलब गिन के देने 36 बनाना। तो वो डजन फिक्स क्वांटिटी है, मतलब जैसे मैथमेटिक्स में हमने कैसे फिक्स क्वांटिटी की, भैया 1 डजन मतलब 12 सब्सटेंस होता है, वो सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, वो सब्सटेंस पेंसिल हो सकती है, वो केला हो सकता है, एप्पल, व्हाटएवर। ठीक है, जो भी है हम उन चीजों को ले सकते हैं डजन वाइज पे। ठीक है, तो डजन का मतलब हमारे नजर में दिमाग में एक पिक्चर क्लैरिटी रहती है 12, इट्स नथिंग बट 12। अगर मैं बोलूंगा भैया 5 डजन पेंसिल लेने तो आपको कितने पेंसिल मिलेंगे, 60, दैट्स 12 × 5, राइट। तो इसी तरीके से बेटा हम केमिस्ट लोग क्या करते हैं कि हम हर सब्सटेंस के क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम मोल का यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, मोल का। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं, इसमें लिख देता हूं 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.023 × 10³ पार्टिकल। क्या है पार्टिकल, दो बातें, पार्टिकल का मतलब यहां पे मैंने क्या बोला वो भी समझाऊंगा मैं आपको, एंड दिस नंबर इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर, जिसको हम Na से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, Na से डिनोट करते हैं। ये Na सोडियम, एक Na ऐसा होता है कैपिटल N और स्मॉल A का मतलब सोडियम होता है, कैपिटल N और स्मॉल A, और A N से छोटा रिप्रेजेंट करना, तो ये एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। इस सिंबल का ही मतलब होता है ये नंबर रिप्रेजेंट करता, कौन सा नंबर, 6.023 × 10³। ठीक है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि 1 मोल बराबर कितना होता है 6.023 × 10³ पार्टिकल। क्या होगा बेटा आपके लिए पार्टिकल। अब ये पार्टिकल क्या हो सकता है, ये पार्टिकल आपके लिए एटम भी हो सकता है, ये पार्टिकल आपके लिए मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये पार्टिकल आपके लिए आयन भी हो सकता है, ये पार्टिकल आपके लिए इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, ये पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स की बात है, मतलब 1 मोल की, मतलब आपका पिक्चर में तुरंत दिमाग में हो जाना चाहिए, बस जैसे 1 डजन मतलब 12 सब्सटेंस होता है, वैसे ही 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल का मतलब सीधा होता है 6.023 × 10³। ठीक है,
मुझे पता है कि हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पढ़ा है, प्रोटॉन का चार्ज पढ़ा है, न्यूट्रॉन में चार्ज जीरो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, मास ऑफ प्रोटॉन पता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। इन केस कोई बच्चे को नहीं आता है, प्लीज रिफर टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पे मैंने डिटेल में बताया। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाएंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का यहां का मतलब क्या हुआ कि टोटल चार्ज आखिर 1 मोल में कितना होता है। मुझे पता है 1 मोल में कितनी क्वांटिटी होती है, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यार राइट, वेरी गुड, 6.023 इंटू 10 का पावर 23। आप समझो बात, कहने का मतलब क्या, अगर इस क्वेश्चन को मैं जनरल फॉर्मेट में समझाओ कि मैं बोल रहा हूं भैया कि आप मुझे बताओ कि 3 dozen पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 3 dozen पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी। तो मुझे पता है कि एक पेंसिल की कीमत कितनी होती है, लेट्स से 2 रुपए, कितने रुपीज है, 2 रुपए। और मुझे पता है एक डजन में कितने पेंसिल होती है, 12 होती है। तो उसके अकॉर्डिंग 3 dozen में पेंसिल कितनी होती है, पहले तो मैं ये पता करूंगा 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन कितने, 6.023 × 10^23। नाउ अब 3 dozen में पेंसिल कितनी है, 3 dozen में टोटल नंबर ऑफ पेंसिल है 36। एक पेंसिल की कीमत है 2 रुपए, तो 36 × 2, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल कितना होगा 3 dozen का, 72। वैसे ही चार्ज टोटल 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज होगा, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, हाँ कितना होता है 1.6 × 10^-19 कूलम्ब। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 96500 कूलम्ब, और इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 फराडे भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, 1 फराडे। तो हमेशा याद रखें 1 मोल ऑफ चार्ज या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फराडे से। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी ऊपर, कैलकुलेट चार्ज इन फराडे इन फॉलोवे। तो कुछ नहीं करेगा, जितना नंबर ऑफ मोल्स दिए होंगे और जो भी चार्ज होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं, जैसे क्वेश्चन से आपका जैसे 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन, 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन, डोंट वरी, मैं एक दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बाकी सब आपको खुद से करना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा, 0.2 मोल ऑफ, 0.2 मोल ऑफ Mg+2 आयन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है मेरा वो है 1.5 मोल ऑफ Al+3 आयन, Al+3 आयन, ठीक है। फोर्थ होगा 0.3 मोल ऑफ SO4 2 आयन। तो बेटा ध्यान से समझो एकदम, अब मैं बोला 1 मोल ऑफ Na प्लस में फराडे टोटल आपको चार्ज बताना। देखो अब समझो बात है, Na होता है Na, ठीक है, सोडियम Na प्लस में कैसे बनेगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कितना, एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना। तो मैं अगर बोलूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल सोडियम है, तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देन व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन सोडियम प्लस, दैट्स नथिंग बट 1 फराडे, राइट भाई। वो 1 फराड बना कैसे होगा भाई, इसमें टोटल चार्ज कितना प्लस, देन मैं मैग्नीट्यूड की वाइज बात कर रहा हूं। आप ये मत बोलो सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ये पॉजिटिव होता है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करें। यहां पे +1 चार्ज है, कितना मोल सोडियम है, लेट्स से 1 मोल है, तो 1 मोल इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट्स नथिंग बट 1 फराडे। तो इसको मैं बोल सकता हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज नथिंग बट यहां पे टोटल चार्ज कितना होगा, 1 फराडे हो जाएगा। अब आपके पास मोल्स कितने हैं, 0.2 मोल्स है। अब ये प्लस 2 चार्ज कैसे बना होगा, प्लस 2 चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन भी दिया होगा, तो 0.2 मोल, पॉइंट कितना देगा, 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 0.2 मोल है आपके पास, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दैट्स नथिंग बट 0.4 फराडे। मैं इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ये वेल नोन फैक्टर, मोल इनटू इलेक्ट्रॉन दैट इज व्हाट फराडे, जो आपको मैंने यहां पे भी समझा दिया, तो मोल इनटू इलेक्ट्रॉन तो दैट्स नथिंग बट 1 फराडे, 1 मोल इनटू 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में नहीं लिखना, डायरेक्ट मैं चार्ज की वैल्यू कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि 2e
है ये, क्या है 2e, e मतलब 1.6 10 रेस टू माइनस 19 और मोल मतलब 6.023, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 में 0.4 फराडे, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फराडे कहलाता है, 0.2 मोल कितने कहलाएगा, 0.2 मोल से मैंने चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया 10 में बड़ा फराडे हो जाएगा, ठीक है, यहां तक बात समझ में आया, इसका कितना होगा जल्दी बोलो, वेरी गुड, 1.5 × 3 तो 10 नथिंग बट 4.5 फराडे, और अगेन यहां पे कितना हो जाएगा मेरा, यहां पे कितना होगा 0.3 × 2 तो 10 नथिंग बट 0.6 फराडे, यहां तक आपको बात समझ में आई बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये बिल्कुल बेसिक्स है तो बहुत ध्यान से समझिएगा इनको, ठीक है, और आपको कोई भी दिक्कत आती है यू कैन टू जब भी आपको दिक्कत है प्लीज व्हाट्सएप में, आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो कैलकुलेट मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको कुछ नहीं पहले समझ लो भैया एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास, मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर, तो दैट्स नथिंग बट मास कितना हो जाएगा आपके बराबर 6.023 × 10⁻³, इतने एक मोल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³, तो यू विल गेट, ये मेरे हिसाब से आंसर आएगा तो आपका 0.546 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम मतलब 10⁻⁶, तो आप इसका ये भी आंसर बोल सकते हो कि 54.6 10⁻⁸ केजी, माइक्रो सॉरी हाँ ये ग्राम में नहीं होगा ये केजी में होगा, तो यूनिट का बहुत ध्यान आपको लेके चलना है, ठीक है, तो आप मैं ऐसे लिखो या ऐसे लिखो दैट डजंट मैटर, दैट चॉइस इज योर, आंसर किस फॉर्मेट में दिया हुआ, ठीक है, अब इसी के पर बेस्ड एक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, जो जेई एडवांस 2003 में पूछा गया, जेई एडवांस 2003 में कि क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 kg, सिंपल सा क्वेश्चन है बट ट्विस्टेड कर दिया, कितने मोल इलेक्ट्रॉन का वेट 1 kg है, आसान है, हाँ वेरी गुड, राइट, क्या करना है हमें जल्दी बताइए, देखो एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इतना, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है 54.6 × 10⁻⁸ kg में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 मोल होते हैं, कितने होते हैं 1 मोल होता है, तो 1 kg में कितने होंगे, तो दैट्स नथिंग बट 1/54.6 × 10⁻⁸ मोल, इतना ही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो कभी भी ऐसा पूछे कि भैया कितने मोल न्यूट्रॉन का, कितने मतलब 1 kg में कितने मोल न्यूट्रॉन होंगे, तो पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा भाई एक मोल का वेट कितना है, आपको फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, एक मोल का वेट, एक मोल से आप पता कर सकते हो भैया इतना वेट 1 kg का होगा, बात समझ में आ रही, उसमें आपको 1 kg में इतना सॉरी 1 kg में इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो हमेशा पहले आपको एक मोल का फाइंड आउट करिए, उसके बाद 1 kg में कितने होते हैं उसे आप डिवाइड कर सकते हो, तो आप इस तरीके से चल सकते हो, ठीक है, यहां तक पहले कुछ आपको समझ में आ गए होंगे, तो पहले हम अभी चार्ज के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, चार्ज और मास के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो आपके आपको फर्दर चीजें क्लियर हो, एक मिनट सॉरी फॉर टेक्निकल मिस्टेक था, ओके, नाउ नेक्स्ट अदर क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रोटॉन विल, देखो ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मेट घुमा रहा हूं, हाउ मेनी प्रोटॉन विल वे 200 ग्राम, हाउ मेनी प्रोटॉन विल वे 200 ग्राम, सिंपल आंसर है भैया, आपको क्या करना है, पहले तो आप एक मोल को निकालो, तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, तो 6.023 10⁻²³ इनटू कितना आ जाएगा, एक मोल का 1.67 × 10⁻²⁷, ओके नाउ सॉरी हाँ यही वेट होता है, और उसने क्या पूछा, इतना, तो इतना केजी होता है वेट, ठीक है, तो आप इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हो, कितने का पूछा उसने, हाँ मतलब 6
6.023, आप देखो ऐसा भी कर सकते हो, 6.023 का आप 6 डायरेक्टली मान सकते हो एप्रोक्सीमेशन में, 6 × 10^23 × 1.67 × 10^-27 केजी में कितने मोल होते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 केजी में कितने होंगे, 1 केजी में आपके पास 1/ आप डिवाइड कर दीजिए इसको, ठीक है, 6 × 10^23 × 1.67 × 10^-27 इतने होंगे, ठीक है। आपने ये वैल्यू को डिवाइड कर दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, तो वही मैं बोला 1 केजी में इतने हैं। उसने पूछा कितने हैं, 200 ग्राम, मतलब 0.2 केजी में कितने होंगे। तो कुछ नहीं करना, आपको इस वैल्यू को क्या करना है, 6 × 10^23। अब यहाँ पे मैं आपको ऐसा टेक्निक देता हूँ, 1.67 का आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो, 10/6 × 10^-27 एक केजी में इतने, तो 0.2 में क्या करोगे, 0.2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, एंड तो यू विल गेट 10^24 24 − 27 20 − 10^-3 −3, तो 0.2 × 10^-3 यू विल गेट योर 200 टोटल, मतलब 200 ग्राम में आपको 200 प्रोटॉन ही मिलेंगे। भाई बात समझ में आ रहा बच्चों, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो आता है एटॉमिक मास। हाँ मुझे पता है आप लोगों को पता होगा एटॉमिक मास द मास ऑफ एटम, बट फिर भी हम डिटेल में चलेंगे एक चीज करके, ठीक है। तो मैं क्या बोला, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, देखो हम बोलते हैं मास ऑफ एटम, दैट्स ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे बहुत डिटेल में जाएंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, किसका, 1 मोल एटम का मास होता है एटॉमिक मास, एक एटम का मास नहीं होता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एटॉमिक मास हम जो भी, जैसे कार्बन का 12 है, तो 12 मतलब क्या, जो कार्बन का जो 12 हम रिप्रेजेंट करते हैं वो 1 मोल एटम का वो एटॉमिक मास है, तो उसी को हम एटॉमिक मास बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं इसको, ग्राम एटॉमिक मास। इसका डेफिनेशन क्या होता है, एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन, देखो बाद में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा इसलिए मैं बहुत बेसिक से जा रहा हूं, बिल्कुल आपको एक ही चीज डिटेल में समझा रहा हूं, एटॉमिक मास बोलो या ग्राम एटॉमिक मास बोलो, इसका मतलब यही होगा कि वो टोटल 6.02 × 10^23 एटम का वेट है। ये बात समझ में, तो अगर मैं सब बात करते सब्सटेंस और ग्राम एटॉमिक मास, हर सब्सटेंस का ग्राम एटॉमिक मास कितना है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो हाइड्रोजन का कितना, 1 ग्राम, ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, इनका एटॉमिक मास हमेशा हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते, याद रखना, इसका 4 ग्राम हो जाएगा, इसका 7 ग्राम हो जाएगा, इसका 9 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, इसका 11 ग्राम हो जाएगा, इसका 12 ग्राम हो जाएगा, इसका 14 ग्राम हो जाएगा, इसका 16 ग्राम हो जाएगा, इसका फ्लोरीन का कितना 18 ग्राम और नियॉन का 20 ग्राम होता है। लिख लीजिएगा, नियॉन का यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ लिख दिया, नियॉन का वेट कितना आ जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक मास क्या होगा उसका, 20 ग्राम, ठीक है। अगेन हमें 20 तक ही याद रखना है, आगे या 30 तक या बेसिकली आप याद रखिए, बट मैं 20 तक ही बताऊंगा आपको। उसके बाद आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ओके। नाउ इसका कितना होता है, 23 ग्राम होता है, मैग्नीशियम का 24 ग्राम होता है, एल्युमिनियम का 27 ग्राम होता है, सिलिकन का 28 ग्राम होता है, फास्फोरस का 31 ग्राम होता है, सल्फर का 32 ग्राम होता है, क्लोरीन का 35.5 ग्राम होता है, आर्गन का होता है 40 ग्राम, ठीक है, पोटेशियम का होता है आपका, पोटेशियम का 39 ग्राम और इसका जो होता है 40 ग्राम। देखो आप जब एनसीईआरटी में जाओगे तो 39.25 या 39.3, बट मैं एक ओवरऑल राउंड फिगर में ये वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई मेरे बच्चों, ठीक है। नाउ
ओके नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वेट ऑफ वन एटम, वेट ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, ऑफ एनी एलिमेंट। समझना बेटा ध्यान से, दो बातें अलग अलग है। यहां जो हम यहां पे जो हम मास रिप्रेजेंट या एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करते हैं वो वन मोल को होता है, वो वन एटम का नहीं होता। तो अगर एक एटम का मास रिप्रेजेंट हमेशा किस में होता है, एक एटम के मास किसी एलिमेंट को हम एटॉमिक मास कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं, और इसको हम हमेशा AMU में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा है तो समझ लो वो वन मोल का रिप्रेजेंटेशन किया, और अगर AMU में रिप्रेजेंट है इसका मतलब वो वन एटम का रिप्रेजेंट हो, ये भी एटॉमिक मास ही कहलाएगा। एक एटम का मास एटॉमिक मास कहलाता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे यूनिट ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पे यूनिट क्या है, अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब वो एक एटम को मतलब एक मोल को रिप्रेजेंट करता है, और अगर AMU में रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, वन एटम को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, नाउ अनदर थिंग क्या है, आपको इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, या इसको मोल ऑफ एटम भी बोला जाता है, नंबर ऑफ मोल्स इसको भी हम यही कहते हैं, मोल्स कहने वाला द नंबर ऑफ डजन निकालना था, ये नंबर ऑफ ग्राम एटम बोलो या नंबर ऑफ मोल्स बोलो बात एक ही होती है, नाम ही चेंज हो पाला। ये ऐसा मत समझ, ग्राम एटम मतलब ग्राम में एटम, ऐसा नहीं, वेट वाला ग्राम नहीं है ये, इसका नाम है ग्राम एटम्स कितने। तो इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। अब आप इसके अगर फिजिक्स में आपने यूनिट डायमेंशन अगर आपने पढ़ लिया होगा, खत्म हो चुका होगा, तो आप अगर आप यूनिट देखोगे तो ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में, ओवरऑल ये हमेशा मोल क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो हमेशा बात याद रखना, अगर ये ग्राम में है बेटा तो ऊपर वाला भी आपको अगर केजी में माइक्रोग्राम में जिसमें भी दिया आपको ग्राम में ही उसको कन्वर्ट करना है। आई बात समझ में। सेकंड होता है मेरा नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम क्या होता है, नंबर ऑफ एटम कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ ग्राम एटम इनटू Na, Na मतलब 6.023 इनटू 10 का पावर 23। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, समझने भी हैं इन चीजों को। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम एंड नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ एटम इन 115 ग्राम ऑफ सोडियम, क्या है 115 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, समझिए नंबर ऑफ ग्राम एटम, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ आपका ईमानदारी है, वीडियो पॉज करिए फिर खुद से अटेम्प्ट करिए, और उसके बाद ही आप क्या करोगे सॉल्यूशन देखोगे। प्लीज बेटा पहले खुद से ट्राई करने के सॉल्व करने की आदत डालिए। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम की बात करो, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम में उसने क्या बोला, गिवन मास, गिवन मास आपको कितना दे, किसी भी एलिमेंट का जो गिवन मास है, एलिमेंट है गिवन मास है 115 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कितना है इसका, ग्राम एटॉमिक मास, देखो ग्राम एटॉमिक मास 23 है, तो 23 तो दैट्स नथिंग बट 5। समझ में आया, जैसे इस क्वेश्चन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, मैं बोल रहा हूं भैया कि आपको नंबर ऑफ डजन बताने हैं 120 पेंसिल के लिए, तो आप क्या करोगे 120 पेंसिल के लिए 12 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा डजन 10, तो आप वही है सेम वैसा ही। ठीक है, हाँ इट नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, सॉरी गलत बोल दिया मैं, ऐसा भी आप नहीं बोल सकते हो। बेसिकली आप डजन निकाल सकते हो, डजन कैसे निकाल सकते हो, नहीं इसको इंटररिलेट नहीं कर सकते, खैर वो गलत हो जाएगा वो बेसिकली। ठीक है, आप ऐसा समझो ना बात को कि अगर अगर आपको डजन के लिए भी कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए भैया कि एक केले का हमेशा जो एटम जो वेट होता है एक केले का जनरली मान लो 100 ग्राम होता है, मैं ऐसा ऐसा कंसिडर करके चल रहा हूँ 100 ग्राम में, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास सपोज करो 500 बनाना है, कितने बनाना है 500 बनाना, तो अगर आपने क्या किया एक बनाना के वेट को डिवाइड कर दिया तो आपको नंबर ऑफ मतलब डजन मिल सकते हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, इस तरीके से हो सकता है आंसर। तो फिलहाल के लिए फॉर्मूला याद रखिए कि नंबर गिवन मास अपन ग्राम एटॉमिक मास को आप क्या करते हो नंबर ऑफ बनाना या नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं या नंबर ऑफ ग्राम एटम ग्राम एटम्स भी बोलते हैं। तो आई बात समझ में, तो नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ एटम हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ ग्राम एटम 5 है इनटू Na, तो ये कितना हो जाएगा 5 Na। आई बात समझ में, नाउ
आप कर लोगे इस तरीके से क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कैलकुलेट करने हैं इन सब चीजों को, ठीक है। क्वेश्चन में लिखते जाना, आप सॉल्व करते जाइए और बाद में सॉल्यूशन देखिएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड क्वेश्चन है आपका 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड क्वेश्चन है आपका 40 kg ऑफ नियॉन, 40 kg ऑफ नियॉन, थर्ड है आपका 71 माइक्रोग्राम ऑफ क्लोरीन, फोर्थ है 22.4 ग्राम ऑफ आयरन Fe, फिफ्थ आपका 600 kg ऑफ कार्बन। देखिए आप तो वीडियो पॉज करके आपको क्या करना है बेटा, वेरी गुड, आपको वीडियो पॉज करके पहले खुद से अटेम्प्ट करने, इन सारे क्वेश्चन को फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है और उसके बाद आपको आंसर मैच करना है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एक राय में लिखता हूँ नंबर ऑफ ग्राम एटम और नंबर ऑफ एटम, ठीक है, दो लाइन बना देता हूं मैं यहीं पे। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम एटम को मैं क्या लिख सकता हूं, वन गिवन वेट कितना है 1 मिलीग्राम मतलब 10^-3 ग्राम डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, तो दैट्स समथिंग अबाउट 10^-3 और 10^-3 इनटू Na, ये मेरे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे। नाउ 40 × 10^3 ये गिवन वेट है डिवाइडेड बाय 20, so that's nothing but 2, so that is nothing but 2000, और यहाँ पे मेरे एटम कितने हो जाएंगे 2000 Na हो जाएगा, ठीक है। 71 माइक्रोग्राम मतलब हो जाएगा 71 × 10^-6 upon 35.5, okay, so that divide करोगे तो 2, तो कितना हो जाएगा आपके पास number of my gram atom 2 × 10^-6 और 2 × 10^-6 Na मेरे पास क्या हो जाएगा number of एटम हो जाएगा। उसने एन से मल्टीप्लाई किया, जो भी ग्राम एटम उसको एन से मल्टीप्लाई किया, तो दैट इज द आंसर फॉर नंबर ऑफ एटम 22.5 ग्राम, तो दैट्स नथिंग बट 22.4 डिवाइडेड बाय 56, सो दैट्स नथिंग बट मेरे हिसाब से होना चाहिए 0.4 और 0.4 आपके पास क्या आ जाएगा 0.4 Na आपके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe। 600 kg की बात करो तो 600 × 10^3 बार-बार में रिप्रेजेंट करो क्योंकि आप डिवाइड करोगे ग्राम से तो ऊपर भी ग्राम होना चाहिए, बोलना नहीं है आपको, डिवाइडेड बाय 6 और 12, अटेंड करने की कोशिश करिए, ठीक है। एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी इज A and B is 20 and 40 respectively. If X gram of A, contains Y atoms. Then calculate number of atom in 2x gram of B। देखिए उससे try करने का solve करिए और उसके बाद अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता उसके बाद solution लिखो। तो मैं यहाँ पे solution बता रहा हूँ। तो मैं पहले हम क्या करेंगे number of gram atom निकाल लो और उसके बाद check करते हैं भैया किसमें कितना होगा।
तो नंबर ऑफ ग्राम एटम, ठीक है, ए के लिए कितना होगा, ए के लिए तो नंबर ऑफ ग्राम एटम का वेट फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। अब गिवन वेट उसने कितना दिया हो भैया, गिवन वेट उसने एक्स ग्राम दिया होता है, एक्स बाय 20, और नंबर ऑफ एटम बराबर नंबर ऑफ एटम, ठीक है, चलो ये ग्राम एटम हो गया ए के लिए, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम बी के लिए कितना हो जाएगा, तो बी के लिए कितना होगा 2x/40, तो दैट्स नथिंग बट x/20। अब बेटा प्यारे बच्चों मुझे आंसर बोल, जब जब x by 20 y contain कर रहा है तो ये भी तो ये, अगर a का x by 20 y contain कर रहा है, b का भी number of gram atom तो same ही है, तो बेटा number of atom भी क्या होगा, same ही होगा ना, दोनों में तो number of gram atom same है, जब x by 20 y contain कर रहा है तो 2x/40 भी कितना contain करेगा, y atom ही contain करेगा। तो ये बात समझ में, खाली language का समझने की दे रही थी, बाकी ये आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। Now अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके नाउ, वन एएमयू का मतलब क्या होता है, देखो 1 AMU का मतलब हो गया 1 by NA gram, 1 AMU का मतलब क्या होता है 1 by N। अब समझो बात को, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि भैया मैंने सपोज करा हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1 दिया, मैंने कितना दिया बेटा 1 दिया, तो आप ऐसे समझो बेटा कि अगर मैं उसके एक एटम का मास बोलूंगा तो मैं बोलूंगा 6.023 × 10⁻²³ एटम का वेट कितना है 1 ग्राम है, मतलब Na एटम का वेट है 1 ग्राम, तो 1 एटम का वेट कितना होगा 1 by Na, तो ये राइट। अब विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन भी आप कर सकते हो, तो हमेशा याद रखना 1 AMU का मतलब होता है 1 ग्राम, तो दैट्स नथिंग बट 1 by 6.023 × 10⁻³, तो दैट्स नथिंग बट कितना होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg। तो ये बात को आप याद रखिएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। देखो अगर मैं बोलूं भैया कार्बन का 6 AMU है वेट, तो 12 AMU है, 12 AMU का मतलब क्या होगा, उसके कार्बन का एक एटम का वेट है 12 × 12 by Na gram, या 12 × 1.6 × 10⁻²⁷, that's −27, not +27, इतना kg हो गया, sorry, my mistake। और अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि कार्बन के एटॉमिक मास है 12 ग्राम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 6.023 × 10⁻²³ एटम का वेट है 12 ग्राम, और इसका मतलब आपको बस यहीं से पकड़ना, अगर AMU दिया हुआ तो 1 एटम का वेट है, ग्राम दिया हुआ तो मतलब 1 मोल का वेट है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी शायद मेरे हिसाब से, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, वेट ऑफ 50 एटम, वेट ऑफ 50 एटम ऑफ एलिमेंट इज 3000 AMU, calculate number of atoms in 240 gram of element। देखो अटेम्प्ट खुद से करिए बट समझने की कोशिश करिए, देखो क्या बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है कि 50 एटम का वेट है 3000 AMU, तो पहले एक एटम का वेट निकाल लूंगा, एक एटम का वेट जो निकलेगा उससे मुझे क्या पता चल जाएगा, जल्दी बोलिए, हाँ वेरी गुड, उससे मुझे पता चलेगा ग्राम एटॉमिक मास, गिवन मास दिया हुआ, ग्राम एटॉमिक मास निकालिए, कहानी खत्म, दैट्स दैट्स इट, इतना ही करना है आपको, वेरी गुड। तो सुनो बताओ क्या होगा, 50, तो 50 एटम का वेट है 3000 AMU, तो 1 एटम का वेट कितना होगा, डिवाइड कर दो आप इस नंबर से, तो दैट्स नथिंग बट 3000 बाय 50, तो
दैट्स नथिंग बट कितना राइट 60 AMU, ठीक है, वन एटम का वेट है इतना, तो वन मोल का वेट कितना होगा, वन मोल का वेट होगा 60 AMU को क्या लिख सकता हूं, 1/NA, तो वन एक एटम का वेट है और एक मोल का कितना निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एनए एनए कैंसिल हो जाएगा तो अगेन क्या हो जाएगा 60 ग्राम। तो देखिए बात तो वही है, अगर एक एएमयू मेरे प्रेजेंट है मतलब एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राम मेरे प्रेजेंट है मतलब एक मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डायरेक्ट मैं ग्राम कर सकता था तो शायद हो सकता था किसी आधे बच्चों को समझ में नहीं आती थी, बट मैं स्टेप वाइज गया, एक एटम का इतना है तो एनए एटम का कितना होगा तो उससे मल्टीप्लाई करता था 60 ग्राम, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम मेरे लिए कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए, नंबर ऑफ ग्राम एटम मेरे लिए हो जाएगा 240/60, क्योंकि आप हमेशा यूनिट चेक करिए क्योंकि यहाँ पे ग्राम में दिया है और नीचे भी ग्राम है तो दैट्स नथिंग बट 4, तो नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 4 NA, यहां तक आपको क्लियर बात समझ में आ गए होंगे, ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग आता है, ये हमने एटम्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था उसमें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमने यहाँ पे कवर कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा मॉलिक्यूल का, किसका आता बेटा, मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब देखो बात क्या होता है, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल का मतलब होता है भैया एक से ज्यादा एटम से कंबाइन होने पर जो मुझे फॉर्म होता है वो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल में है और में नॉट एटम्स, ठीक है, देखो सॉरी माय मिस्टेक, एटम और मॉलिक्यूल का सबसे पहले बेसिक डिफरेंस क्या होता है, देखो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, विच मे और मे नॉट हैव प्री एग्जिस्टेंस बट मॉलिक्यूल ऑलवेज हैव फ्री एग्जिस्टेंस, ये हमेशा इंपॉर्टेंट बात को बहुत कम लोग बातें मतलब इसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा, तो मैं लिख देता हूं, पहले तो मैं लिख देता हूं डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, डिफरेंस बिटवीन एटम मॉलिक्यूल क्या है भैया, एटम क्या है, एटम इज द smallest part of an element which may or may not have free existence but okay but molecule is also but molecule is also smallest part of element, molecule is also smallest part of which have free existence, हमेशा इस बात पे याद रखिए, एटम और मॉलिक्यूल दोनों स्मॉलेस्ट होते हैं बट एटम का जरूरी नहीं वो फ्री एग्जिस्टेंस हो, बट मॉलिक्यूल का हमेशा क्या होता है, फ्री एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। और तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या हो जाता है, एग्रीगेट और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, एग्रीगेट और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, आई बात समझ में। अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मेरा मॉलिक्यूलरिटी, क्या आता है, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है भैया, किसी सिंपल सी भाषा में किसी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं वो इसकी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ atoms present in one molecule of substance, one molecule of substance is known as molecularity of उसकी क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं,
नाउ एग्जांपल की बात करूं मैं, जैसे बात करूं CO2। अब CO2 किससे किससे बना है? CO2 मेरा बना, वेरी गुड, वन एटम ऑफ कार्बन से और टू एटम ऑफ ऑक्सीजन से, तो इसके टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए? 3। और 3 इसके क्या होगी? मॉलिक्यूलरिटी होगी। आई बात समझ में? ऐसा दूसरा एग्जांपल बता दो, C6H12O6, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज भी। तो मैं बोल सकता हूं इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, तो ग्लूकोज क्या क्या कंटेन कर रहा है ये देख लो। ग्लूकोज कंटेन 6 एटम ऑफ कार्बन, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कितना होता है? 24 इसके क्या हुए? मॉलिक्यूलरिटी हुई। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको क्या करना है? मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट करके मुझे बतानी है। ठीक है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ फॉलोइंग, कैलकुलेट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ फॉलोइंग। तो पहला है आपका C12H22O11, सेकंड है आपका मोहर सॉल्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मोहर सॉल्ट FeSO4 dot NH4 twice SO4 dot 24H2O, कितना हो जाएगा? सॉरी नॉट 24, दिस इज 6H2O, 6 मोहर सॉल्ट बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, या बेसिकली इनके एक्सपेरिमेंट आप पढ़ोगे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप ये सब डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है KMnO4, क्या आता है? फोर्थ वन हो जाएगा आपका पोटैश एलम या फिटकरी भी जिसको हम बोलते हैं, आप देखो होगा फिटकरी जो यूज किया जाता है पानी को शुद्ध करने में। ठीक है, इसका होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, इसके बाद हो जाता है आपका H2C2O4, फिर आ जाओगे आपका H2C2O4 डॉट ट्वाइस ऑफ NaHC2O4 डॉट 3K2C2O4। ठीक है, होप सो आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा और आपने ये अटेंड कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, तो मैं एक एक आंसर बता देता हूँ। इसका हो जाएगा 12 + 22 + 11, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3, 2, 5, 5, 2, 2, 4, 5, 3 और 1, 4, 45 से क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2, 1, 2, 4, 6 + एंड 4 और 5, 2, 10, 10 और 11 और 4, 15 प्लस 3 और 3, 18। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 15, 6, 21, 21 और 18, 39। ठीक है, इसका क्या मैंने कहा? 1 + 1 + 4, दैट्स नथिंग बट 6। पोटैश एलम की बात करो, K2SO4 में 4 और 2, 6, 7 प्लस Al2, तो 4 और 5, 5 और 3, 15, 15 और 2, 17 प्लस 24, मतलब ये कितना हो जाएगा? 3H2O के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 3 × 24 मतलब कितना हो जाएगा? 72। तो ये मेरे हिसाब से हो जाएगा 7 और 2, 9, 9 और 7, 16 को 6 से लगे 1, 7, 8, 8, 96, इसकी क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें कितना हो जाएगा? 2, 2, 4 और 8 प्लस 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8 × 16 प्लस 2, 2, 4, 4, 8 + 24 कितना होगा? 16, 24, 24, 48। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे मॉलिक्यूलरिटी के ऊपर। ठीक है, अब ये क्या हुआ बेटा, इन्हीं के ऊपर क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, फर्दर के अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलरिटी हम सब्सटेंस को कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू मॉलिक्युलरिटी। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्युलरिटी हम सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं। तो पहला जो है मेरा, पहला है मेरा मोनो एटॉमिक। क्या है मेरा? मोनो एटॉमिक। इसका डेफिनेशन क्या होता है? द मॉलिक्यूल विच कंटेन वन एटम ओनली। किसी मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता तो उसको क्या बोलते हैं? मोनाटॉमिक। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? सारे इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और एंडन। तो जितने भी इनर्ट गैसेस होते हैं वो मेरे सारे क्या होते हैं? मोनाटॉमिक होते हैं। लाइक ग्रुप वन एलिमेंट्स, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे क्या होते हैं? मोनाटॉमिक होते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग हमारा जो आ जाएगा, सेकेंड थिंग आ जाएगा मेरा डायटॉमिक। क्या आता है मेरा? डायटॉमिक। डायटॉमिक में क्या डेफिनेशन हो जाएगी? मॉलिक्यूल विच कंटेन टू एटम ओनली। तो दो ही एटम कंटेन करता है वो दो। अब यहाँ पे दो बातें होती है। दो एटम का मतलब ये हो सकता है या तो दोनों एटम क्या होने चाहिए? सेम होते हैं, या तो क्या होता है? डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अगर सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कह रहे बच्चों होमो एटॉमिक बोलते हैं। और डिफरेंट रहा तो उसको क्या बोलते हैं? हम हेट्रो एटॉमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मतलब जैसे H2Cl2F2O2N2। क्योंकि देखो एन और एन से क्या बना होगा? एन टू बना होगा, इसलिए होमो एटॉमिक। हेट्रो में तो बहुत सारे हो गया, NaCl हो गया, HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ये क्या हो गया मेरे? डायटॉमिक हो गया। ये मेरे क्या हो गए? डायटॉमिक हो गए। ठीक है, ठीक है। नाउ थर्ड है मेरा ट्राईटॉमिक। क्या है मेरा? ट्राईटॉमिक। ट्राईटॉमिक में क्या होता है मेरा? मॉलिक्यूल विच कंटेन थ्री एटम। ठीक है, अब इसमें भी हो जाएंगे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, इसमें होमो का भी एक एग्जाम्पल देना और हेट्रो का भी एग्जाम्पल देना। तो होमो में ट्राईटॉमिक कौन सा हो जाता है? सिर्फ O3। O3 मेरा क्या है? ट्राईटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, और हेट्रो में क्या हो जाएगा? जैसे MgCl2, ठीक है, CaCl2, ठीक है, H2O, ठीक है, SO2, CO2, ये सारे के सारे मेरे क्या हो जाएंगे? ट्राईटॉमिक हो जाएंगे। फोर्थ वन जो है मेरा, फोर्थ है मेरा टेट्राएटॉमिक है मेरा। क्या है? टेट्राएटॉमिक। टेट्राएटॉमिक में मेरा क्या हो जाएगा? विच कंटेन फोर एटम। तो किसी मॉलिक्यूल में चार ही एटम होंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? द मॉलिक्यूल विच कंटेन फोर एटम इन दैट नथिंग बट टेट्रा। तो इसका होमो के एग्जांपल भी बताना आपको और हेट्रो का एग्जांपल। हेट्रो, ठीक है, होमो मतलब फोर, मतलब P4 क्या होता है आपका? हेट्रो होमो होता है। और ये जैसे इसका एग्जांपल आप दे सकते हो लाइक AlCl3, AlF3, ठीक है, SI, AlF3, AlCl3, AlBr3, ठीक है। तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेरे क्या हो गए? हेट्रो हो गए, टेट्रा एटॉमिक हो गए। ठीक है, कुछ कुछ आपने देखा होगा ऑक्टा एटॉमिक भी होता है। एक लास्ट एग्जांपल लो, ऑक्टा एटॉमिक। ऑक्टा एटॉमिक मतलब जिसमें 8 होंगे वो सिर्फ S8 होता है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक्स चीजें थी जो हमने आज कवर करी है। ठीक है, कल से हम थोड़ा और आगे बेसिक्स पढ़ के फिर और थोड़ा लेवल बढ़ते जाएगा। पहले बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, ये प्लीज एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा फिर से वीडियो रिपीट करिए,